अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, साइंस ग्रुप का मैथ्स आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक फैक्टराइजेशन है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना, तो आइए एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5.1, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। आपने इसको फैक्टराइज करना है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मौजूद है। आप देख रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 कॉमन आएगा। इसके बाद AB, उसके बाद इसमें भी AB मौजूद है, उसके बाद इसमें भी AB मौजूद है, यानी क्या कॉमन आएगा, 2AB। क्या कॉमन आएगा, 2AB। कॉमन लेने के बाद देखिए 2B कॉमन चला गया, AB कॉमन चला गया, BB कॉमन चला गया, C रह गया। अब 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 टाइम्स आएगा, AB कॉमन चला गया, BB कॉमन चला गया, X रह जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देख रहे हैं 2B कॉमन चला गया, AB कॉमन चला गया, BB कॉमन चला गया, तो क्या रह गया, D रह गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, 9XY माइनस 12X² प्लस 18Y². आपने देखा, मैंने आपके सामने इसका सेकंड पार्ट लिखा, 9XY माइनस 12X² प्लस 18Y². अब देख रहे हैं ये 9 है, ये 12 है और ये 18 है। आपने कोई एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो तीनों के टेबल में आता हो। जैसे आप देख रहे हैं 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 3 के टेबल में 12 भी आएगा, 3 के टेबल में 18 भी आएगा। इसका मतलब इसमें से 3 कॉमन आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 1Y है, इसमें भी 1Y है, इसमें 2Y है, तो 1Y कॉमन आ सकता है। 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 टाइम्स X और Y तो आपने कॉमन ले लिया, माइनस 3 के टेबल में 12 कब आएगा, 4 टाइम्स आएगा, X² Y आप कॉमन ले चुके हैं। 3 के टेबल में 18 कब आएगा, 6 टाइम्स, 2Y है स्टूडेंट्स, 1Y आप कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी Y कितने बच जाएंगे, 1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, माइनस 3X² Y माइनस 3X प्लस 9XY². जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें से इसका स्टार्टिंग वैल्यू माइनस है, तो आपको पता है जब भी स्टार्टिंग वैल्यू माइनस हो, माइनस तो मस्ट कॉमन लेंगे, ये तो पक्का हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 3 है, ये 3 है और ये 9 है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3। इसमें 2X है यानी X² है, इसमें 1X है यानी X है, इसमें 1X है, तो कितने X कॉमन आ सकते हैं, 1X कॉमन आएगा। कितने X कॉमन आएंगे, 1X कॉमन आएगा। आपने देखा माइनस कॉमन लिया तो सभी के साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, 3B कॉमन चला गया, 2X थे यानी X² था, 1X रह गया और साथ क्या आएगा, Y। अब देख रहे हैं माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, प्लस। 3X कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 1। प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देख रहे हैं 9 है, तो 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 टाइम्स आएगा, X भी आपने कॉमन ले लिया, Y² है, तो क्या आपके पास बच जाएगा, Y² क्योंकि X तो आप कॉमन ले चुके हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, फोर्थ वाला, 5
ए बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 20 ए क्यूब बी सी। अब देख रहे हैं मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। अब आप देखिएगा ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, तो आपने देखा इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा ए बी सी, ए बी स्क्वायर सी सी क्यूब, उसके बाद ए स्क्वायर बी क्यूब सी, उसके बाद ए क्यूब बी सी। आपने देखा कम से कम तीनों में एक ए बी सी मौजूद है, तो आपका कॉमन क्या आएगा, 5 ए बी सी। कॉमन क्या आ गया, 5 ए बी सी। 5 भी कॉमन ले लिया, ए भी कॉमन ले लिया, 2 भी है, 1 भी कॉमन लिया, 1 भी रह गया, 3 सी है, 1 सी कॉमन लिया तो 2 सी रह गए। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 10 है, तो 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 टाइम्स। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर है, 1 ए कॉमन लिया तो 1 ए रह गया, बी क्यूब है, 1 बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर रह गया, सी कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद माइनस, 5 के टेबल में 20 कब आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 3 ए है स्टूडेंट्स, हम 1 ए कॉमन ले चुके हैं तो ए स्क्वायर रह जाएगा, बी सी आप कॉमन ले चुके हैं तो वो साथ नहीं आएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, इसका पांचवा पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये माइनस है, माइनस से पहले आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको आप फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और माइनस के बाद वाली स्टूडेंट्स हमारी क्या है, सेकंड टर्म है। दोबारा देखिएगा, माइनस से पहले वाली फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद वाली क्या है, सेकंड टर्म है। आप देख रहे हैं इस फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आता है, मैं आपको जरा हाथ रख के दिखाता हूँ। ये देखें एक्स माइनस 3y और एक्स माइनस 3y, ये कॉमन आएगा, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y कॉमन ले लें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से x माइनस 3y कॉमन आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं x माइनस 3y कॉमन आ गया, x माइनस 3y कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा, जैसे आप देख रहे हैं 3x क्यूब y, उसके बाद माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर बच गया, ये आपके पास बचा 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, मगर इन दोनों में से कॉमन आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3x है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें 1y है, इसमें y स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं इसमें से कॉमन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन आ सकता है x स्क्वायर y कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, x स्क्वायर y। तो 3 वैसे का वैसे ही आ गया, 3x थे, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1x बच गया, y कॉमन ले चुके हैं, माइनस 7 x स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, y स्क्वायर है, 1y कॉमन ले लिया, 1y बच गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, 6 वाला। टू एक्स वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्लस से पहले एक सारी फर्स्ट टर्म है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं अंडरलाइन करके, ये प्लस से पहली है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये प्लस के बाद वाली वैल्यू है इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, ये प्लस से पहले और वो प्लस से क्या है स्टूडेंट्स, बाद में है, तो आप इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बोलेंगे। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से क्या चीज कॉमन आती है, आप देख रहे हैं इनमें से क्या कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5।
एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कॉमन आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, टू एक्स वाई क्यूब प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर। तो आप लिख लें टू एक्स वाई क्यूब प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इन दोनों में से आप देख रहे हैं टू एक्स वाई कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई स्क्वायर। तो टू एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, ये तो सारे का सारा ही कॉमन चला गया, जो सारे का सारा ही कॉमन चला गया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास रह जाएगा वाई, कैसे, टू भी बाहर चला गया, एक्स भी चला गया, तीन वाई थे, दो वाई कॉमन ले ली, एक वाई बच गया। अब टू के टेबल में एट कब आएगा, फोर टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक्स भी चला गया, एक्स स्क्वायर भी चला गया। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर वन, इसको भी स्टूडेंट्स आप फैक्टराइज करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। चार वैल्यूज हमारे पास है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो फोर वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों वैल्यूज में से a कॉमन आएगा, फर्स्ट टू वैल्यूज में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा, a, और लास्ट टू में से स्टूडेंट्स b कॉमन आएगा। तो आइए कॉमन लेते हैं, आप देख रहे हैं इनमें से a कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 5x माइनस 3y। आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग साइन माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, और इनमें से क्या कॉमन आएगा, b। अब आप देखिएगा माइनस b कॉमन ले रहे हैं, 5x ये ऑलरेडी नेगेटिव था, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये माइनस है, उससे पहले वाली ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी और ये सेकेंड टर्म कहलाएगी। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से स्टूडेंट्स देखिए क्या कॉमन आता है, अगर आप देखें इन दोनों में से 5x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 3y कॉमन ले लें जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जस्ट a माइनस बी, क्या बच जाएगा, a माइनस बी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, सेकेंड वाला, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस एट। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे, लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। अब देख रहे हैं फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ सकता है, तो y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब देख रहे हैं इसके स्टार्ट में माइनस है, तो माइनस, ये 12 है और ये 8 है, ऐसा कोई नंबर बताया जिसके टेबल में 8 भी आता हो और 12 भी आता हो, तो स्टूडेंट्स वो 4 होगा। आपको पता है माइनस कॉमन लिया तो 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 टाइम्स आएगा, और साथ क्या आएगा, x। माइनस कॉमन लेने से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 के टेबल में 8 कब आएगा, 2 टाइम्स आएगा। आप देख रहे हैं 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा, y माइनस 4, बाकी क्या रह जाएगा, y माइनस 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, थर्ड वाला, 3xy² - 2x² - 6y³। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चार वैल्यूज, फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से आपने कॉमन लेना है। आप देख रहे हैं इसमें 3x है और इसमें 1x है, तो 1x कॉमन आएगा, क्या आएगा, 1x कॉमन आएगा, तो बाकी कितने रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इसके बाद माइनस, ये देख रहे हैं 2 और ये देख रहे हैं 6, तो 2,
इसमें से एक वाई और इसमें तीन वाई, तो एक वाई कॉमन आ सकता है। कितने वाई कॉमन आएंगे? एक वाई। आपने देखा माइनस कॉमन लिया, टू कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, तो क्या आपके पास क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। टू के टेबल में सिक्स कब आएगा? थ्री टाइम्स वाई कॉमन लिया है, एक वाई कॉमन लिया है, तीन वाई है, एक कॉमन ले लेंगे तो दो रह जाएंगे। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और बाकी आपके पास क्या बचेगा? एक्स माइनस टू वाई। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू वाई बच गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स। तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे z को बोथ वैल्यू से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वैल्यूज लिख दी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपने स्टूडेंट्स इनकी अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट का कोई और कम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है, बट जो मैं आपको कम्बिनेशन बताऊंगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। स्टूडेंट्स आपने कम्बिनेशन कैसे बनाना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अलग सा कम्बिनेशन बनाना है, जैसे एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर। इसके बाद आपने थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का कम्बिनेशन बनाना है। दोबारा सुनिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, इस तरह आपने इनका कम्बिनेशन बनाना है। स्टूडेंट इस तरह कम्बिनेशन बनाने से आपको कॉमन लेने में आसानी होगी और हमारा क्वेश्चन का आंसर 100% जो है वो राइट आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखते हैं इसमें दो एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ सकता है। इसमें एक जी है, इसमें दो जी है, तो एक जी कॉमन आ सकता है। तो आपने देखा हमने इसमें से कॉमन भी ले लिया। उसके बाद आप देखिएगा दो एक्स थे, एक एक्स कॉमन ले लिया, एक बच गया, एक जी था कॉमन ले चुके हैं, एक एक्स है कॉमन ले चुके हैं, दो जी है, एक जी बच जाएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? वाई स्क्वायर। बाकी आपके पास स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा? देखिएगा एक्स के एक्स माइनस जी, एक्स माइनस जी। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में से, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, इन दोनों में से x माइनस जी कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? x माइनस जी। इन दोनों में से x माइनस जी कॉमन आ गया। बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री भी फैक्टराइज आपको करना है। ये स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्केयर के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट पार्ट, 144 ए स्केयर प्लस 24 ए प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स आपने कंप्लीटिंग स्केयर के साथ इसको सॉल्व करना है। जरा देखिएगा 144a किसका स्केयर बन रहा है? 12a का कंप्लीट स्केयर बनेगा। याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्केयर में फर्स्ट और लास्ट टर्म कंप्लीट स्केयर बनेगी, और 1 किसका स्केयर होगा? 1 का प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको आप कंप्लीट स्केयर बनाएंगे कैसे? 12 फर्स्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म आएगी, सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का स्केयर आएगा, और ये क्या बन जाएगा? होल स्केयर। देखिएगा स्टूडेंट्स ये आप इसको यूं ऐसे ना इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये सेंटर वाली वैल्यू इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, ए स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस टू प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। जैसे कि मैंने बताया आपको ये कंप्लीट स्केयर बनेगा, ए ओवर बी है, ए स्केयर ओवर बी स्केयर है, तो ये ए ओवर बी का कंप्लीट स्केयर बनेगा। ये बी स्केयर ओवर ए स्केयर है, ये बी ओवर ए का कंप्लीट स्केयर बनेगा। इसके बाद माइनस टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म।
इसको आप कंप्लीट स्केयर बना देंगे। ये कंप्लीट स्केयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म आएगी और सेंटर में साइन किसका आएगा, सेंटर वाली वैल्यू का। इस तरह ये भी कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 14zx प्लस वाई प्लस 49z स्केयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने कंप्लीट स्केयर बनाना है। x प्लस वाई तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी कंप्लीट स्केयर है, 49z स्केयर है, ये 7z का होल स्केयर बनेगा। किसका स्केयर बनेगा, 7z का, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसको अब आप कंप्लीट स्केयर बना देंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है और ये सेंटर वाला साइन, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्केयर। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 7z होल स्केयर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। 12x² - 36x + 27। अब देख रहे हैं 12 है, ये 36 है, ये 27 है। क्वेश्चन को देखकर ही आपको आइडिया होगा इसमें से कुछ कॉमन आएगा, और आप देख रहे हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये जी यकीनन बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, इसमें से 3 कॉमन आएगा। तो 3 के टेबल में 12 कब आएगा, 4 टाइम्स आएगा। 3 के टेबल में 36 कब आएगा, 12 टाइम्स आएगा। 3 के टेबल में 27 कब आएगा, 9 टाइम्स आएगा। इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, 4x² को आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2x, 9 को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3, और माइनस 12 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, कैसे, फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी 2x, लास्ट टर्म लिखी जाएगी 3, सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का आएगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइज ही करना है, 3x² - 75। आप देख रहे हैं ये 3 है, ये 75 है, इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे 3 तो बाकी का रह जाएगा x², और 3 के टेबल में 75 कब आएगा, 25 टाइम्स आएगा। कब आएगा, 25 टाइम्स। इसको आप स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, x² को लिख सकते हैं स्केयर ऑफ x, 25 को लिख सकते हैं स्केयर ऑफ 5। आपने देखा ये डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर में। अब आप क्या करेंगे, x² - 5x² पर डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स x - 5 x + 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखें। x (x-1) y (y-1) तो मल्टीप्लाई कर दें एक्स को एक्स से, एक्स को वन से, माइनस वाई को वाई से, माइनस वाई को वन से। x² - x - 1 - x, माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें -y² माइनस इंटू माइनस प्लस वाई को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वाई आ जाए। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं इसमें हम स्केयर वाली वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, मसलन x² - y² आप इन्हें अलहदा कर लेंगे, बाकी बचेगा -x + y। आप देख रहे हैं इसको, इस पे डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर का फार्मूला बनाया जा सकता है, x² को लिखेंगे स्केयर ऑफ x, y² को लिखेंगे स्केयर ऑफ y। और आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग साइन इन दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, -1 कॉमन ले लें। तो आपने देखा माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये ऑलरेडी माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पर आप फार्मूला बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर x माइनस वाई
एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स माइनस वाई। ये देख रहे स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, अगर आप गौर करें आप देखें तो इनमें से कॉमन आ सकता है x माइनस वाई। क्या कॉमन आएगा? x माइनस वाई। और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस वाई माइनस वन। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका थर्ड पार्ट। वन ट्वेंटी एट ए एम स्केयर माइनस टू फोर्टी टू ए एन स्केयर। अब देख रहे हैं ये 128 है, ये 242 है, इसमें a है, इसमें भी a है, तो 2a कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 2a। 64 एम स्केयर माइनस 121 एन स्केयर, ये बच गया। अब 64 एम स्केयर स्टूडेंट स्केयर बन सकता है 8m का। किसका स्केयर बन सकता है? 8m का। और 121 एन स्केयर ये 11n का स्केयर बनेगा। तो आपकी पसंद का फार्मूला लगेगा डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर 8m माइनस 11n, 8m प्लस 11n। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। 3x माइनस 243x क्यूब। इन दोनों में से स्टूडेंट्स 3x कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 81x स्क्वायर, 1 माइनस 81x स्क्वायर, 3x ये 1 का स्क्वायर है और 81x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स? 9x का स्क्वायर बनेगा 3x। अब आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। एक्स के माइनस वाई के माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चार वैल्यूज है, तीन वैल्यू से एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और एक सिंगल स्क्वायर बनेगा। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, तीन वैल्यू से एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और एक वैल्यू जो बच जाएगी वो अकेला स्क्वायर बनेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है यानी सिंगल एक्सपोनेंट है, वो जिन तीन के दरमियान होगा उससे आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अगर ये फर्स्ट थ्री के बिटवीन हो, अगर आप देख रहे हैं ये जो सिंगल वेरिएबल है अगर फर्स्ट थ्री के सेंटर में होगा तो फर्स्ट थ्री से कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, लास्ट थ्री के सेंटर में होगा तो लास्ट थ्री के सेंटर इस लास्ट थ्री से कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये लास्ट थ्री के सेंटर में, सिंगल वेरिएबल किसके सेंटर में है? लास्ट थ्री के सेंटर में, तो ये लास्ट थ्री से कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ये एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग साइन माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस नाइन वाई हो जाएगा, प्लस सिक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस नाइन वाई हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाई स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर बन जाएगा, ये नाइन है स्टूडेंट्स तो थ्री का स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिखेंगे टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, जैसे कि अभी आप लास्ट क्वेश्चन में भी सीख कर आए, ये बनेगा फर्स्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म आएगा और सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का साइन और होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। आपने देखा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस वाई माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री। इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन माइनस वन। जैसे कि मैंने बताया था, जो सिंगल वेरिएबल होगा वो अगर फर्स्ट थ्री के सेंटर में होगा तो उनसे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, लास्ट थ्री के सेंटर में होगा तो उनसे स्क्वायर बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लास्ट थ्री के सेंटर में, तो ये लास्ट थ्री का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग साइन माइनस है, तो माइनस कॉमन आएगा। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये ए का स्क्वायर बनेगा, ये वन है तो वन का स्क्वायर बनेगा। इसको लिखेंगे माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा? ए माइनस वन का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा। अब आप इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्लस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए माइनस इनटू माइनस प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस इनटू माइनस माइनस वन। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव का स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल वो फर्स्ट टू पार्ट जैसा है स्टूडेंट्स, आपने उसको खुद सॉल्व करना है। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फाइव का फोर्थ पार्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। एक्स के माइनस वाई के माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पांच वैल्यूज हैं। पहले आपके पास चार वैल्यूज होती थी, तीन का आप अलग स्क्वायर बनाते थे, एक वैल्यू का अलग स्क्वायर बनाते थे। अब पांच वैल्यूज हैं, अब आपको दो कंप्लीट स्क्वायर बनाने होंगे, यानी वैल्यूज की तादाद आपको कितनी चाहिए? छः। तारी बात है, तीन तीन वैल्यूज का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को ब्रेक कर देंगे। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर भी ब्रेक नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर भी ब्रेक नहीं हो सकता, माइनस फोर एक्स भी ब्रेक नहीं हो सकता, माइनस वाई भी ब्रेक नहीं हो सकता। ये ब्रेक आपने स्टूडेंट्स दो स्टेप्स में करना है। अब ये थ्री है, थ्री को स्टूडेंट्स आपने ऐसे दो स्टेप्स में ब्रेक करना है कि दोनों कंप्लीट स्क्वायर बने। यानी आप फोर को, जैसे थ्री को ब्रेक करना है आपने ऐसे दो नंबर्स में जो दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर बने। तो स्टूडेंट्स हम इसको ब्रेक करेंगे फोर माइनस वन। थ्री को आप किन स्टेप्स में ब्रेक करेंगे? फोर माइनस वन। देखिए फोर भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, फोर किसका कंप्लीट स्क्वायर है? टू का। और वन भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? वन का। तो अब मैंने बताया कि हम थ्री को ब्रेक करेंगे टू स्टेप्स में और ऐसे दो स्टेप्स होंगे जो दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे, इन्हें आप अरेंज करेंगे। ग्रुपिंग देखिएगा कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म आप इन्हें अलहदा कर देंगे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म। इसके बाद आपके पास बच गई है सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म, ये बच गई, इन्हें आपने अलहदा कर दिया। अब आपने देखा फर्स्ट थ्री टर्म से आप एक अलग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, लास्ट थ्री टर्म से आप एक अलग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एक्स, फोर को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फोर, फोर को क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ टू, और फोर एक्स को लिखेंगे माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग साइन माइनस है, तो माइनस कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन आ जाएगा। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये वाई का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये वन का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर बन गए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। एक दफ़ा आप इन्हें प्लस करेंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। आप देख रहे हैं एक्स माइनस टू,
इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस टू, प्लस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई माइनस टू और माइनस वन मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस थ्री। इस तरह स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई, आपने देखा माइनस टू प्लस वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन, माइनस टू प्लस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ पार्ट देखिएगा। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वन माइनस थर्टी सिक्स जी स्क्वायर। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा था जहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा अगर वो फर्स्ट थ्री के सेंटर में होगा तो वो फर्स्ट थ्री से कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट थ्री वैल्यूज के सेंटर में है तो इनसे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर है, ये फाइव एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, प्लस वन है तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, वन का, माइनस टेन एक्स है, माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस थर्टी सिक्स जी, ये सिक्स जी का होल स्क्वायर बनेगा। इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये बनेगा फाइव फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और सेंटर में सेंटर वाली वैल्यू का साइन आएगा, दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा इन्हें माइनस करेंगे एक दफ़ा प्लस करेंगे, फाइव एक्स माइनस वन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ये देखिएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का सिक्स पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स इन्हें अरेंज करेंगे, देखिएगा ये एक्स जी है, अगर आप गौर करें एक्स जी है, यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स होनी चाहिए और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। तो अरेंज करें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप फर्स्ट थ्री वैल्यू से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 2z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये y का स्क्वायर बनेगा, x माइनस 2z इसका होल स्क्वायर आ गया माइनस y का स्क्वायर आ जाए। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ये यहाँ तक भी ठीक है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई माइनस टू जी, एक्स प्लस वाई माइनस टू जी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कम्प्लीट हो गया है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।